साहब जी, बच्चे तो माँ बाप को चिता देने के बाद भी भूल जाते हैं, लेकिन आप तो दुश्मन के मरने के बाद भी उसकी शांति के लिए हवन कर रहे हैं। मरने वाला का आत्मा हमारा दुश्मन न बन जाए, हमारा नुकसान न पहुंचाए, एक खातिर हम होकर आत्मा शांत कर रहा हूं। आयोजित की गई दौड़ प्रतियोगिता के विजेता हैं मदुरई। नाम नक्षत्र और गोत्र बताइए बेटी। चंद्र पूर्णी नक्षत्र। चंद्र नाम नो पूर्णी नक्षत्र स्वस्ति शुभमस्तु। लक्ष्मी विशाखा नक्षत्र। लक्ष्मी नाम नो विशाखा नक्षत्र। नाम नाम बताओ बेटी। सुमति बरनी नक्षत्र है स्वामी जी, दरअसल ये बोल नहीं सकती। इसे हाथ लगाओ बेटी। सक कुटुंबानामायुलारोग्यस्ब्रह्मण्यष्टोत्तसदनामावलिसमाप्तं लाभं सदसं वत्सरं दीर्घमायुः। हे भगवान, छोटी बहन की आवाज वापस लौटा दो और बड़ी बहन को बहुत जल्दी एक अच्छा सा वर दिला दो और माँ के मन को शांति दो और ये सारे सपने पूरे करने के लिए मुझे शक्ति दो कि मैं अपने आप पर काबू रख सकूं। आपका नाम क्या है? सुशीला। मधुरे, तुम वहां क्यों खड़े हो? चलो। भाई, 1 किलो मटन दिया। कर या, कर या, कर या। मटन चाहिए? क्या कहा तूने? कहा सुना नहीं देता का? 1 किलो मटन मांग रहे हैं। मटन चाहिए? हाँ मटन दे, अभी बकरे का बकलोल कहीं के। ए, तू भाजी की दुकान पर मटन लेने के लिए आया? फिर कहा लिखे कि सब कुछ मिलेगा? ए करिया, अगर ते हमका मटन न दिए ना तो हम तो का कस्टमर कोर्ट तक ले जा, वहाँ तो का सजा मिली। मैं जहाँ भी जाता हूँ ऐसे नमूने मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। हम तो हर कस्टमर है, चल जल्दी सामान दे। तू मेरा कस्टमर है ना? बकरे समझ लिए क्या? शराफत से सामान मांग रहे तो मूल काटिए। पता नहीं कहां कहां से चले आते। इस कस्टमर से तुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है? ये मेरा कस्टमर था, थोड़ी देर के लिए मुझे पागल बना दिया था यार। अच्छा चल, कोयता नीचे रख और अपना काम कर गधा।
मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाते रहते हो? क्यों ताई, केला लेने आई हो? हाँ हाँ, केला लेने आई हूँ। तो इस केले को इतनी जोर से चेक मत करो, इसकी जान निकल जाएगी। ए, हाँ? तू अपना मुंह बंद रखेगा। क्या ताई, आपको केला भी चेक करना नहीं आता है क्या? इधर लाइए, ये लो। ये देखिए, टंग टंग आवाज आई ना, इसका मतलब केला अच्छा है। फिर बीट कैसे चेक करते हैं? बीट रूट को चुटकी से चेक करना चाहिए, गाजर को नाखून से चीर कर देखना चाहिए और बीन्स का छिलका निकाल कर देखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं चेक करने के। अरे बेवकूफ, तुझे अक्ल नहीं है क्या? तुझे बोला था ना मुंह बंद रख। ये लीजिए ताई, नाराज मत होइए, पूछ लीजिए। काम के लिए लोग इंसानों को रखते हैं, तुमने अपने पास इस बंदर को रख लिया। ये लीजिए ताई। अच्छा, इसके कितने रुपए हुए भैया? हुए 21 रुपए, पर आप 20 रुपए दे दीजिए। ताई, आपकी शादी में सब्जी की सप्लाई मेरी दुकान से होगी, ओके ना? लेकिन मेरी शादी हो चुकी है भैया। ताई, ये आप क्या कह रही हैं ताई? इतनी कम उम्र में आपकी शादी भी हो गई? मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है ताई। अरे छोड़ो ना तुम। अरे चली गई। ये क्या है? क्यों तू ताई को चने के झाड़ पर चढ़ा रहा था? वो तुझे शादी करने के लायक दिखती है, तुझसे बड़ा तो उसका बेटा है। अबे ये सब तो बिजनेस ट्रिक है यार, तू भी सीख ले। ए छोटे, दूसरा नंबर किसका है? पढ़ तो। मदुरई, मदुरई, ए मदुरई। आ गया, आज पैसा दूंगा बोला था ना, निकाल पैसा। अभी मैं बहुत तकलीफ में हूँ, धंधे में से ज्यादा कमाई नहीं हो रही है, इसलिए मैंने ब्याज पे पैसे लिए थे, लेकिन पैसे कुछ ज्यादा ही खर्च हो गए हैं। अगले महीने सारे पैसे दे दूंगा। अरे पिछले महीने का बकाया बाद में देगा, इस महीने का भी नहीं दिया, ये तो गलत है ना? हाँ गलत है। फिर तो गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, सही है ना? हाँ सही है। छोटे ये तो जवान है, इसे घसीट कर ले जा और अच्छी तरह खातिरदारी कर ले जा। अपने आप ही आ जा तू। बेटा सब लोग निकलो यहां से। तू कितना ब्याज लेता है ये बिना पूछे मैंने तुझसे पैसे लिए थे, ये मेरी गलती थी, उसकी मैंने सजा भी भुगत ली, लेकिन अब जो तू ये कर रहा है ये बहुत 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 बड़ी गलती है। आज के बाद अगर मीटर ब्याज, स्पीड ब्याज, एक्सप्रेस ब्याज, बिजली ब्याज, रोज का ब्याज, घंटे का ब्याज बोलकर तू इस एरिया में आया तो मैं जो सजा दूंगा वो बहुत खतरनाक हो सकती है। नहीं समझा? तेरे बदन में से खून की बूंद बूंद निकाल कर बारिश के पानी की तरह मार्केट में छम 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 बहा दूंगा। जा, चल निकल। तुम तो इसकी बेइज्जती कर रहे हो, पूरी दुनिया के लोग इसे अपने कुलदेवता की तरह सम्मान देते हैं, ये गलत है, बेइज्जती मत करो। मुंह सिकोड़ रहा है मुंह। तुम जैसे लोगों को तो मंदिर में पुजारी होना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, हेलो। हेलो सर, इसे ना इस तरह घटक कर नहीं पीना चाहिए, इसे इस तरह धीरे से आपस में टकरा कर धीरे से पीना चाहिए, समझ गया ना? ये क्या है, ये रजनीकांत की स्टाइल कहां से सीख ली? जला देगा क्या? क्यों भाई छोटो? हाँ, ये सीढ़ी बहुत छोटी लग रही है, इसमें ब्लू फिल्म है क्या? हेलो, क्या बड़ा है भाई? वादा की सीढ़ी है। अरे इसमें तो अपने आमिषा पटेल यार, देख के आता हूँ। अरे भाई ये खाने वाला बड़ा है यार। ये बात है क्या? एक बात बता, इसमें होल है और इस वड़े में होल क्यों नहीं है? कंफ्यूजन है यार भाई। इसकी गाड़ी टॉप गियर में पहुंच गई है क्या? मैं थोड़ी देर में आता हूं। हाँ, तेरे को ज्यादा समझता है क्या? सुन भाई, ये है दाल बड़ा और ये मेंदू वड़ा। मेंदू वड़ा बनाने के लिए होल करना पड़ता है। ओहो, जरा तौलिया देना। तौलिया? तौलिया का एंड दे दे। तौलिया का एंड चाहिए, ये ले। एक बात बता, मेदू वड़ा में होल बनाते हैं और दाल वड़ा में नहीं बनाते, ये नियम किसने बनाया? अरे भाई नियम मैंने नहीं बनाया, सलमान पपैया से पूछो। ये लो,
चल बुला अभी के अभी सलमान पपैया को, राशन पानी देके फैसला कर डालते हैं। ए बंद कर बे अपने 501 को। क्या बोला तूने 501? अबे तेरे सेल फोन की कीमत बता रहा हूँ बेवकूफ। मैं पुलिस वाला हूँ। किस नाटक में? ए मुझसे मजाक किया तो गोली मार दूंगा। सर 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 गुस्सा मत होइए सर। मैं कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ, मैं तो शांति से बात कर रहा हूँ। चल हट। अरे रे दूसरा भी मेरे सिर पर आ गया, क्या करूं? अपने इस खिलौने को अंदर रख। शूट कर दूंगा। शूट करेगा? शूट करके उस दाल वड़े में एक होल बना ले और इधर लेकर आ। चल जा, जा, जा। तूने मेरी मर्दान की गुलल कर रहा है, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करके दे। तूने मेरा ताज उतार लिया, आज मैं तेरा कत्ल करके रहूंगा। देखिए देखिए देखिए, शांत हो जाइए शांत हो जाइए। इसको बोल कि वो कैरेक्टर से बाहर आए। नाटक वाला है। अरे पकड़ भाई, तूने मुझे छोड़ क्यों दिया? मैंने छोड़ा कहा है, मैं पकड़ता हूँ ना, ये ले। देख भाई यहाँ फालतू लोगों की भीड़ जमा हो गई, हम लोग किचन की तरफ चलते हैं। चल इसे लेकर तू क्या करेगा, ये टकले को दे दे। चल 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 चल, चल। मेरा तौलिया, मेरा तौलिया। क्यों भाई, फ्राइड राइस का ऑर्डर दिया था, बन गया क्या? अरे बना रहा हूँ ना, बनाने में टाइम नहीं लगता क्या? टाइम लगेगा, मुझे आज ही खाना है, कल नहीं खाना। शक्ल देखने से लगता है इसको ही फ्राई किया है। बाप रे, क्या हुआ, फ्राइड राइस चाहिए क्या? अरे तो इतना चिल्ला क्यों रहा है, क्या बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है? रुक, मैं अभी फ्राइड राइस लेकर आता हूँ। ए मेरा दोस्त कब से फ्राइड राइस मांग रहा है, और कितना टाइम लगा था अभी बनाने के लिए? बना तो रहा हूँ। अरे भागो रे। अबे तू चला गया तो मैं नहीं बना सकता क्या? ए मास्टर, ये मच्छी की मुंडी भी है, पूछ भी है, इसका किसको ऑर्डर दे रहा है? तुझे भूख लगता हूँ क्या मैं? साले मच्छी को पैर होता है क्या? सच में पैर होता है मच्छी को? मेरे बाप होता है, छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे। चल दिखा, मैं देखना चाहता हूँ। चल नहीं नहीं दिखा सकता। अभी तो बोल रहा था होता है, चल दिखा। अरे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, जाने दो ना। अगर तू बोल दिया है तो कहे तंग कर रहे हो? अरे अब जाने दो ना, बच्चे की जान लोगे का? अरे छोड़ दो उसको भाई। तू निकल, तू इधर आ। ये बता मच्छी को पैर होता है या नहीं? होता है भाई। तू जा, तू आ। अरे आ जा रे पंडित। मच्छी को पैर होता है या नहीं, सच सच बता, मच्छी को पैर होता है या नहीं? मुझे घर जाना है। घर किधर है तेरा? मैलापुर में भाई। मैलापुर में तो मैं भी रहता हूँ, झूठ बोल रहे हैं क्या मुझसे? मुँह से निकल गया। तू वही रहता है और मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पर रहता है। वही वही, मैं वही रहता हूँ। झूठ बोला था, मैलापुर में रहता है। ओह गलती हो गई, गलती होगी, गलती होगी, अब से कभी नहीं होगी, इस बार छोड़ दे मेरे भाई। अरे भाई एक पैक और पिला इनको, मैं तो चला। ए बॉन्ड, अबे तू क्यों पसीना पसीना हो रहा है? तेरी हरकत देखकर यहाँ सारे लोग पसीने पसीने हो रहे हैं। ये ले तौलिया, ए पहुंच ले। ब्यूटीफुल, ये अच्छा नहीं है। वेरी नाइस। अरे बाप रे, कोई बात नहीं, क्या माल है यार। अरे टकले तो देखो, अबे कहाँ देख रहा है बे, पागल हो गया क्या? सड़क छोड़कर दुकान पे साइकिल चला रहा है क्या बे? ए अबे टकले, तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे ब्रदर, यहाँ पूरे मार्केट में देखने लायक सिर्फ एक ही चीज है, वो देख। कह रहे मेरा विकेट उड़ा दिया और सॉरी लॉरी लेकर मैं क्या करूंगा? अबे तेरे को सॉरी बोला ना, फिर भी तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अबे तेरी तो, इतनी छोटी सी बात का तू बुरा मान गया भाई? छोड़, जाने दे ना, हम लोग भाई भाई हैं यार। छोड़। अरे मैं तुझसे माफी मांग लेता हूँ यार। छोड़। मान जा ना भाई। छोड़ दे। ठीक है मैं अपनी गलती मानता हूँ, चल मान जा। ठीक है। बच गया। बी केयरफुल मैन, हट। मूड खारे नाटक कंपनी। ए चमेली, तू अपने आप को समझती क्या है? हाँ क्या समझती है, तेरे चक्कर में आज मेरी जान चली जाती। आज तेरे लटके झटके में साइकिल वाला टकराया, कल कोई लॉरी वाला आकर टकराएगा। लड़की है संभल कर रहे। पहले तू अपना केबल संभाल कर, बेवकूफ। केबल ये कहाँ है? छी, ये तो नाड़ा है। नाड़ा को केबल कहते हैं पागल। हाँ हा?
फिर भी केजी की होकर एलकेजी की ड्रेस पहनी है, अब तो इसे मिलना ही होगा। एक या? सुनिए, आप यहाँ एफटीवी से आई है क्या? नहीं तो नहीं, तो फिर एमटीवी या वीटीवी में से जो चार पांच लोग मिलकर बकरा बनाते हैं उसमें से आई हैं आप ना? ना ना, तो फिर उस प्रोग्राम से आई है ना? मैं यहाँ अपने एक प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ। प्रोजेक्ट के लिए? मेरी पढ़ाई में मार्केट का एक सब्जेक्ट होता है कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है। ये बात है? अच्छा, तो आप हिंदी में बात क्यों कर रही हैं? इंग्लिश में बात कीजिए ना, ऐसे क्यों देख रही हैं? इस मार्केट में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं ही हूँ, मुझसे बात कीजिए। रियली? कहाँ तक पढ़ाई की है? ऑल लेटेस्ट बुक बताओ क्या? सरिता, मिड्डे, हिंदुस्तान टाइम, नवभारत टाइम, स्टारडस्ट, सारी बुक्स पढ़ ली है मैंने। बाय द बाय, व्हाट इज योर नेम? अनीता। अनी, एनी हेल्प? या, मुझे यहाँ रहने के लिए छोटा सा घर चाहिए। छोटा घर? आई गिव पैलेस यार। रियली? फॉलो मी। ए कुलदीप केसरी। ए, किसकी इतनी हिम्मत जिसने मुझे नाम लेकर पुकारा? मैं हूँ यार। तुम हो? ये बेबी कौन है? तुम दोनों का कलर कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा। ये मजाक करने का वक्त नहीं है, इसी मूर्ति को घर चाहिए। मेरा घर किसी फैमिली वाली के लिए नहीं है। ये तुम्हें फैमिली वाली दिख रही है? बैचलर है, लेडीज बैचलर। चल साइड में हट। ये बात तुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। नमस्ते बेबी। या, वंडरफुल, डबल ओके, यू आर एडमिटेड। थैंक यू सर। सुनो, मेरे जैसे आदमी को सर कहोगी बुरी बात है। अच्छा ठीक है, चल अब घर दिखा चल। ए बदतमीज, तुम उससे रे करके बात करता है? ये क्या, तुझे सर कहे तो प्रॉब्लम, रे कहे तो प्रॉब्लम, कैसे बुलाऊं? तू ही बोल। एक मिनट इधर आ। हाँ बोल। चल भाग जा यहाँ से। पापा आओ। एक बात सुनो अनीता, तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो कुछ शर्तें माननी होंगी। खिड़की का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए और सोते वक्त लाइट भी बंद नहीं होनी चाहिए। अंदर जो कुछ भी चल रहा हो उसकी मुझे जानकारी होनी चाहिए। तू घर वाला है या जासूस, इतनी शर्तें क्यों रख रहा है? तुमने देखा होगा ये एरिया कुछ अच्छा नहीं है और ये आदमी भी इसी एरिया का एक लफंडर है। बी वेरी केयरफुल। तुम जब तक यहाँ रहोगी तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। नो प्रॉब्लम अंकल, मेरे पास एक गन भी है। मेरा लगेज गाड़ी में है, ऊपर भिजवा दीजिए। ये क्या बोली, इसके पास गन है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं होगा? उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे मैं संभाल लूंगा। लेकिन अब ये तीनों लोग ही हमारे टारगेट हैं। उनके बारे में और कोई डिटेल्स मिली है क्या? उन तीनों की पूरी कुंडली मैंने इस किताब में लिख दी है। एक जरूरी बात, अपनी अगली मीटिंग आने वाले संडे को तंबारम के रेलवे स्टेशन पर होगी। बाय, टेक केयर। चल भाई, ए वाचनालय, निकल यहाँ से। बाकी का पेपर घर पे जाके पढ़ना। क्या वे, बहुत ज्यादा भाव बढ़ गया? मैं ज्यादा ब्याज लेता हूँ, ऐसा तूने कैसे कंप्लीट किया? ए, अब इसने जाके कंप्लीट किया, मुझे भी तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। इसकी औरत को बांध के इधर लेके आ, जब ये वहाँ पे तड़पेगी ना तब इसकी अगर ठिकाने आएगी। चल बाहर निकल। ऐसा मत करिए, मैं आपके पैसे पूरे दे दूंगा। छोड़ो, मेरी बीवी को किसी ने पुलिस कंप्लेंट की ना तो उसका भी इसके जैसा ही हाल होगा। एए, तमाशा चालू करो। नहीं छोड़ो, नहीं ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। मालिक माफ कर दो, तेरी औरत के सामने कब तक फिर चलेगी? जब तक तू मेरा पूरा पैसा ब्याज के साथ नहीं दे देता। अगर तू लेट करेगा तो तेरा बच्चा तेरी औरत के पेट में मर जाएगा, समझा क्या? अटक जाके तुझे कराएगी। एए, शटर बंद करके चाबी इधर ला। नहीं नहीं। तू बीच में बता, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। तू यहाँ से चला जा, वरना तेरे साथ भी यही होगा। इज्जत से चला जा। ए, ऐसे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? टांग तोड़ दो इसकी। जॉनसन बेबी, यहाँ मार्केट में जो कुछ भी होगा उसे कवर करना था ना, चलो मेरे साथ। लेकिन मैं यहाँ पढ़ रही हूँ बाबा। वहाँ एक्शन सीन चल रहा है, खत्म हो जाएगा। कम ऑन यार। यू मीन फाइट सीन? कम ऑन, चलो चलो चलो, चलते हैं। आ,
सॉरी इट्स ओके यू फाइट वेरी वेल। कौन है तू? तेरा यहाँ क्या काम है? चल निकल यहाँ से। हाँ बोलो ना दोस्त। वो पतंग फंस गई है, निकाल कर दोगे क्या? अरे देता हूँ ना निकाल के। ओके दोस्तों। पतंग कहाँ है? पतंग नहीं 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 वो मैं छपरे से गिर गया। कहाँ है छपरा? दिख नहीं रहा। तुम पहले चले जाओ यहाँ से। क्या बात है, मुझसे शर्म आ रही है। सुनिए एक छोटी सी विनती है, इस खुले आसमान के बाथरूम में आज के बाद मत नहाइए। निकलू ना? अब अगर बाहर कोई पूछे कि जवान लड़की के बाथरूम में क्या कर रहा था तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे कभी जाने को कह रही हो, कभी रुकने को कह रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। मैं कपड़े पहन लूं? ठीक है पहन लो। अरे कैसे पहन लूं? पहले आंखें तो बंद करो। मेरी नहीं, अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद करूं? हाँ। ओके। अरे रे रे पीछे घूम जा। ओके ओके ओके। अरे बाप रे सब दिख रहा है। हेल्प मी। अरे 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 क्या है? हेलो बचाओ मुझे, मुझे बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ। हेल्प मी, हेल्प मी। मुझे बचाओ। हाँ मदरे भाई 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 अनीता के घर में कोई घुस गया भाई, जाकर उसे बचा ले यार। तू जाकर बचा ना। अरे यार उसे बचाने के चक्कर में मेरी जान चली जाएगी, तू मुझे क्यों मरवाना चाहता है? मुझे डर लग रहा है, जाना यार। हेल्प मी प्लीज।
इज्जत लूट जाएगी। अरे उसकी इज्जत लूट जाएगी, तू खड़ा क्यों है? जा रहा है चल हटना, मैं तुझे बचाने आया हूँ। कहाँ है वो? कौन है वो? वो देखो, वो उधर कॉकरोच। ये है? हाँ ना। तो कोई बचाओ ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? अरे नहीं तो, मैं तो कॉकरोच है ऐसा बोल रही थी। कॉकरोच बोल रही थी? पागल कहीं। मदुरई रुको ना, मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है, सो प्लीज तुम उसको मार दो ना। मदुरई की जगह पर मैं होता तो कितना मजा आता। अरे इतना अच्छा मौका तूने गवा दिया। बेवकूफ कहीं का, बेवकूफ कहीं का, बेवकूफ कहीं का, तुझे अक्कल नहीं रे, चल एक्शन में आ जा। माँ, भैया ऐसे क्यों बैठे हैं? मुंह पे पट्टी क्यों बांध रखी है? तुम्हें पता है क्या? मुझे नहीं पता, मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर चुप क्यों बैठे हैं? साहब जी का आज मौन व्रत है ना, और आज हम घर पे मच्छी बना रहे हैं ना, तो ये खा नहीं पाएंगे, इसलिए मुंह पे पट्टी बांध कर रो रहे हैं। अच्छा, क्या माँ? तीन दिन हो गए नहीं किया क्या? अब तक रिपेयर नहीं कराया, मैं अब सीरियल कैसे देखूंगी? तो क्या करूँ मैं? मधुरे दिन भर मेहनत कर रहा है और मैं इस पागल को टीवी रिपेयर करने के लिए बोल बोल कर थक गई। ठीक है माँ, मैं बाजू वाले के घर पे जाकर देखती हूँ। ये क्या कर रहा है? ओ, मेन स्विच बंद करना है क्या? ए, चल चलते हैं अब। इतना बड़ा होल है तो खोलने की क्या जरूरत है, ऐसे ही घुस जाता हूँ। अरे क्या गर्मी लग रही है, बिजली नहीं है क्या? मेन स्विच किसने बंद करके रखा है? अरे घर के अंदर पटाखा किसने फोड़ा? हाँ तू मुंह पे काली पोत कर यहाँ क्यों खड़ा है? अरे अरे अरे, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फिल्म के हीरो जैसा, सही बोल रही हूँ ना? हाँ मधुरे, तुम इसकी अच्छी सी फोटो निकाल कर बाहर लगवा दो, हमारे घर को किसी की नजर नहीं लगेगी। क्या मजाक है ये, इलेक्ट्रिक बंद किया था, किससे पूछ कर तूने चालू किया? तू टीवी के अंदर घुसकर बैठा, ये मुझे कैसे पता चलेगा यार? मैं तुझे ऊ करके बात कर रहा था ना। ये बात तुझे मुंह से बोलनी चाहिए थी ना। कैसे बात करता, आज मेरा मौन व्रत था, ये तो तुझे भी पता है। लेकिन अब तो तू बात कर रहा है ना। मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, ये आवाज तो डर के मारे निकल रही है। अरे पानी में चला गया। बा, 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 अरे मैं लेके आता हूँ ना। बा, बा, no problem. बा, 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 बा। अरे डरो मत, मैं लेकर आता हूँ। क्या हो रही? अच्छा वो लोग मछली पकड़ने जा रहे हैं। वहाँ नहाने मत जाना, वहाँ बहुत गहरा पानी है, समुंदर अंदर खींच ले जाएगा। समझती क्यों नहीं हो, जिद कर रही हो क्या बेटी? मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अपने घर जाओ, जाओ बेटी। भैया
नहीं हुआ ना। ए, तू बात कर रही है? सुमति तू बोल सकती है? सुमति बात करने लग गई माँ। लक्ष्मी सुमति बोलने लग गई। मुझे कुछ नहीं हुआ सुमति, तेरी आवाज वापस लाने के लिए मैंने ये सब किया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं होगा माँ। चिंता मत करिए, आपकी बहन का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया। मधुरे तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया, मैं आज बहुत खुश हूँ बेटा। माँ। हाँ। काफी दिनों से मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। बोल ना बेटा। नमस्ते साहब, कुछ खर्चा पानी आया? थैंक यू सर। क्या बात है, आज तो मस्त लग रही है। चप्पल से मारूंगी। ए, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी तो चप्पल से मारेगी, हाथ लगाऊंगा तो उससे मारेगी। थू। ये रोक रहे है, तू अपने आप को कैटरीना समझती है क्या? ये हाथ छोड़ बदतमीज। ए, छोड़ मुझे। क्या रे, थोड़ा पकड़ लिया तो फड़फड़ा रही। जा जा रे। नहीं बेटा, वो लोग गुंडे हैं, हमें उनसे क्या मतलब। तुम साइकिल से जल्दी आ जाना। ए, संभल के ले जा। ये चल रहे अड्डे पे लेके चल। अबे चला और तेज चला। भाई आपने फाड़ दिया। ए, मां सुन लेगी। अरे शर्ट को भाई। ओ। हाँ, पेटीकोट और जैकेट धोने के लिए दिए थे ना, पैंट और शर्ट कैसे आ गए मेरे पास? धोबी पागल हो गया है, अभी जाकर देखती हूँ, उसका सारा पागलपन निकाल दूंगी। ये तो मदुराई के कपड़े हैं। मदुराई तू तो मेरे पास नहीं आता, तेरी शर्ट ये सही।
बेटा तुम अपने कैमरे से जिसको फॉलो कर रही हो ना, उसे मैं अपनी आंखों से फॉलो कर रहा हूँ। आदमी अंदर गया और तुम हैरान हो गई। वेट एंड सी, अंदर जो रासलीला चल रही है ना अनीता, उसे हम दोनों मिलकर देखेंगे। दिखाओ तो। ए, ये मेरी शर्ट है, चल उतार। जानती हूँ, इसलिए तो पहनी है मैंने। बापरे, कितनी बड़ी नौटंकी है, कैसे शर्माने का नाटक कर रही है। टमाटर की तरह लाल हो गई है ये। भाई तो खिलाड़ी है, खिलाड़ी। शट अप, मेरी पैंट शर्ट चुपचाप दे दो। ले लेना, तेरे ही तो है। तू तो मुझे पसंद ना करने का नाटक करता है और मुझे देखने के लिए मेरे कपड़े ले जाता है। ढक दिया, वो भी सबके सामने दिन दहाड़े। बड़ी तगड़ी स्पीड है इसकी। ये देखो, अरे उसने भी कपड़े उतार दिए। ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो कर रहे होंगे। ये सब क्या हो रहा है? ये दोनों मुझे देख क्यों नहीं रहे? यही तो मैं कहना चाहता हूँ। जलन करने से क्या होगा, बाद में तुम इन दोनों की शादी की वीडियो भी तो बनाओगी ना। ये पकड़ो। अरे अब देखो, इसको बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। हाँ मधुरा भाई बोलो। तेरे पास सिर्फ 10 लोगों के कपड़े आते हैं, वो भी बराबर एड्रेस पर नहीं पहुंचा सकता क्या? ये मेरे कपड़े इसने खराब कर दिए, अब इसे वापस धोकर प्रेस करके सीधे सीधे मेरे घर पे पहुंचा दे, समझा? ठीक है भाई। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब भाई, वरना तेरा एड्रेस बदल दूंगा। चल फिर से कपड़े धोने पड़ेंगे पूरे। सॉरी मधुरे, मैंने तुमको बहुत गलत समझा। अब ये दोबारा छेड़े, इससे पहले मैं इसका एड्रेस बदल देती हूँ। ये ले कैच। भाई तुमने लॉरी को क्या कमाल का पार्क किया है, तुम्हारे रहने की जगह तो और अच्छी होगी। अरे बस कर यार, बस कर बस कर बस कर, चल। और दीदी धंधा पानी सब सही चल रहा है ना? ओके। एक्सक्यूज मी, यस स्पीकिंग। हाय। ओह गुड मॉर्निंग मधुर, मैं बाथरूम में फिसल गई तो मेरे हाथ में चोट लग गई। जाइए जाकर आराम कीजिए। नहीं नहीं, चेंगलपट्टी मार्केट में बैलों का मार्केट लगता है और उसी मार्केट में गैर कानूनी धंधे भी होते हैं, मैं वो सब शूट करना चाहती हूँ। तो करो ना शूट। ना ना ना, वो क्या है ना, मैं ड्राइविंग नहीं कर पाऊंगी। क्या आप ड्राइव करके मुझे वहाँ तक पहुँचा दोगे प्लीज? तो तुमने मुझे अपने घर का ड्राइवर समझा है क्या? जाओ, मुझे यहाँ पे बहुत काम है। प्लीज मधुरा, ये देखो, मुझे फालतू डिस्टर्ब मत करो। तुम लड़की के साथ अकेले मत जाना प्लीज। मुझे ले चलो वहाँ। बेटा ले चलो उसे। माँ ये मेरी बात मान, उसके हाथ में चोट लगी है ना, जाओ उसे ले जा। चलिए चलते हैं। थैंक यू आंटी। चलो 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 चलो। रुक, तू कहाँ जा रहा है? जब ड्राइवर बैठा है तो साथ में क्लीनर तो होना चाहिए ना। कार में क्लीनर की जरूरत नहीं पड़ती। अरे मेरी लुंगी छोड़ो, खुल जाएगी। मैं चलती हूँ आंटी। अरे आंटी मेरी लुंगी छोड़ो, मुझे भी जाना है, मेरे काम है, मुझे जाने दो ना, जाने दो। अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो। आंटी आंटी, बात क्यों नहीं सुनता? जा कहा ना, जा। ए मदुराई, गाड़ी एकदम नहीं है, संभाल कर चलाना। तेरी तो। ए स्टॉप 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 स्टॉप। मार्केट में शूट करते वक्त कैमरे में मेरी भी शक्ल दिखेगी ना, और लोग मुझे पहचान लेंगे, इसलिए इसलिए थोड़ा सा मेकअप करना है मुझे। अरे तुम्हारी शक्ल है, तुम्हें मेकअप करना है तो इसमें मेरी परमिशन क्यों? वो बात नहीं है, एक हाथ से कैसे मेकअप करूंगी। तुम थोड़ा मेरा मेकअप कर दोगे प्लीज मधुरे? क्या मैं करूं? प्लीज 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 प्लीज। तुम लड़कियां भी ना, मेकअप को इतना सर पे चढ़ा के रखा है कि इसको किए बिना मार्केट में निकल ही नहीं सकती हो। ये लो पेंसिल आंखों में लगाने के। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के पास पेंसिल नहीं है और तू अपने आंख में कलर भरने के लिए पेंसिल इस्तेमाल करती है। चला सो स्वीट, मेरी बातें स्वीट, मेरी हरकतें स्वीट, बस स्वीट स्वीट बोल के काम निकलवाओ।
एक लड़की पर हाथ उठाना गलत बात है। ये बता, तूने किस हक से उस पर हाथ उठाया? हाँ जा, वो तुमसे बहुत नाराज है बेटा, अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया। जा जा ना बेटा। लोग अपने प्यार का अलग अलग तरह से इजहार करते हैं, लेटर से, ग्रीटिंग कार्ड से, सेलफोन से, लेकिन मैं तुम्हें अपने प्यार के बारे में कैसे समझाऊं ये मैं समझ नहीं पाई। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें खाना खिलाने आया हूं, और सुबह के लिए सॉरी। मेरे इजहार करने का तरीका गलत होगा, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। पता नहीं मैं तुम्हें क्यों पसंद करती हूँ, ये बात मैं नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। देखा ना, ये धागे भी जानते हैं कि हमें अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम कब समझोगे? देखने के लिए तुम्हारी आंखों में यही प्यार देखने के लिए मैं इतने दिन से इंतजार कर रही थी। अरे कौन है तू? दीदी खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा है। मदुरई, तू इसके साथ घूमना फिरना छोड़ दे और जल्द से जल्द शादी करके सेटल हो जा। अरे ये सब छोड़ो ना माँ, पहले बहन के लिए अच्छा लड़का ढूंढना है और वो सरकारी नौकरी करने वाला होना चाहिए, बहन की शादी धूमधाम से करवानी है। भैया सॉरी भैया। लक्ष्मी हाथ धोने के लिए पानी लाओ। बताओ कौन है वो? भैया ऐसा कुछ नहीं है भैया। मैं हवा का रुख देखकर ही समझ जाता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। चलो बताओ कौन है वो? भैया उसका नाम जीवा है, वो लॉगिनेट कंपनी में काम करता है और हम सर वो आप हैं? हाँ। मुझे माफ करिए सर, मैंने आपको जाने बगैर आपको आपके नाम से बुलाया, मैंने आपको पुलिस वाले की तरह नहीं बल्कि एक गुंडे की तरह पुकारा। सर मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज सर
सर मुझे ये नहीं पता था कि आप हैं। सर आप यहाँ पर, तुमने मुझे यहाँ देखा ये? सर मैं यहाँ पर आया ही नहीं और मैंने आपको देखा भी नहीं। सर मैं ऐसा करता हूँ, 2 महीने की छुट्टी ले लेता हूँ और गांव चला जाता हूँ। हाँ हाँ मैं वहाँ जाकर खेती करता हूँ, कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। बटालियन डिसमिस। भाई इंस्पेक्टर बहुत बोल रहा था ना, उसकी भी इसने हवा निकाल दी। अब इस मदुरई का तो हमें ही कुछ करना होगा। कोई बात नहीं दीदी, चलो सब लोग अपना अपना काम करो। अरे माँ तुम क्यों आ गई? अरे तू स्कूल से आ गई क्या? हा? ये सब क्या है बेटा? अरे अरे कुछ नहीं माँ, तुम चलो ना चलो। पहले बता ये सब क्या है? वो पुलिस ऑफिसर तुझे देखकर सल्यूट क्यों किया? तू कुछ गलत काम कर रहा है। मैं तुम्हें सब बताऊंगा। मुझे अभी बता, बता मुझे क्या किया तूने, बता। बचाने के लिए आप लोग इस तरह मीटिंग कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, नहीं। उसे जान से मार दो। अगर आप लोगों से नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं उसे मारूंगी। तुम लोग देखते रहना, मैं उसे जान से मार दूंगी। ये आप क्या कर रही हैं? बाहर ले जाइए। चलो 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 छोड़ दो, चलो छोड़ दो, चलो। ए तू भी उसका साथी है ना? बोलना, मेरी बेटी को मारने के बाद मेरे ही घर में रहकर तुम दोनों ने मेरे हाथों से बना खाना खाया तो भी शर्म नहीं आती।
हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम लोग मेरे घर में घुसकर हम लोगों को तकलीफ देना चाहते थे। क्यों बेटा, मेरी बेटी को मारकर तुमने मेरे परिवार को खत्म कर दिया। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगी, नहीं छोड़ूंगी उसे, नहीं छोड़ूंगी। इसके आगे एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना। वो कौन है जानती हो? वो कौन है तुम जानती हो? तुम्हारी बेटी की मौत से तुम जितना दुखी हो ना, उससे कहीं ज्यादा वो दुखी है। पता है तुम्हें, ऐसे भले इंसान को तुम जान से मारने की बात कर रही थी, हैं? इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी आज वो मार्केट में भाजी बेच रहा है, जानती हो क्यों? वो कौन है मालूम है तुम्हें? वो तुम्हारे घर पर आकर क्यों रह रहा है जानती हो? चल बता, बता कहाँ वो काम चल रहा है? मुझे नहीं पता। तू जिस आदमी को बचाना चाहता है वो एक क्रिमिनल है, और तू उसी आदमी का साथ देकर अपने बीबी और बच्चों को अनाथ बनाना चाहता है, और क्या चाहता है? छोड़ दो। अगर तू बता देगा तो तुम सब लोग बच जाओगे, फैसला तेरे हाथ में है। मुझे कुछ नहीं मालूम। तो क्या मरना चाहता है? देश के मासूम लोगों के साथ गद्दारी कर रहा था, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके रख लो। राशन की दुकान में जाने वाला अच्छा चावल ये लोग छुपा कर इस तरह मिलावटी चावल को वहां भेजते हैं। कम ऑन। दूध पाउडर में मिलावट करने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं। मिलावटी तेल, रोज इस्तेमाल होने वाले खाने के तेल में मिलावट, हर चीज में मिलावट करके रखी है। लकड़ी की धूल चाय पत्ती में मिलाते हैं। सील एवरीथिंग एंड अरेस्ट एवरीबॉडी। सर, CRPC क्राइम को बंद करो क्रिमिनल एक्ट 44 के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वेल, ये मदुरई IAS का ऑर्डर है। अरेस्ट एवरीबॉडी। सर, आपने इतने छापे मारे, क्या है सब कुछ? पब्लिसिटी के लिए है क्या? पब्लिसिटी के लिए नहीं, मुझे सरकार पगार देती है तो पब्लिक की सेवा करने के लिए। क्राइम को देश से हटाना ही मेरा उद्देश्य है। तो ये सब रुक जाएगा? आगे भी होगा। अपने बच्चों के लिए खरीदी हुई दूध पाउडर से लेकर उम्र दराज दादी के लिए खरीदी हुई दवाई इंजेक्शन तक लोग ये सोचकर खरीदे कि ये असली है, जब तक ये भरोसा नहीं होता तब तक मेरा काम जारी रहेगा। आपको क्या लगता है, आपके ऐसा करने से क्या वो लोग मिलावट करना छोड़ देंगे? जब तक वो लोग नहीं छोड़ेंगे मैं चुप नहीं रहूंगा। और सर, अगर वो लोग नहीं माने तो? मैं मजबूर करूंगा। सर, इस शहर में बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, खून हो रहा है, उन्हें क्यों नहीं रोकते आप? कत्ल, लूटमार, बलात्कार, इन सबसे हजार गुना बड़ा गुना ये मिलावट का है। आज आप अस्पताल में नजर डालकर देखिए आपको कितने सारे मरीज वहाँ दिखेंगे। इन सबका एक ही कारण है, उनसे खरीदी हुई और इस्तेमाल की हुई ये मिलावटी चीजें। मरीज इलाज से तो सही हो जाता है पर इन लोगों की नकली दवाइयाँ खाकर वो मरता जा रहा है। सरकार सिर्फ ब्रांडी और विस्की का भाव तय करने के लिए बैठी है लेकिन लोगों की जरूरत की चीजों का एक भाव तय नहीं कर सकती। क्या करेगी? क्यों? इसका कारण यही लोग है। अपने फायदे के लिए ये लोग अनाज को दबा कर रखते हैं। एक दिन आएगा जब बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, ना चावल मिलेगा, ना दाल मिलेगी। एक दिन, दो दिन, दस दिन तक संभालोगे, उसके बाद क्या करोगे? सिर्फ पैसा खाओगे क्या?
अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इंडिया की सूरत सोमालिया में बदल जाएगी, ये बात आप जानते हो क्या? इन सब धंधों के पीछे केटीआर की ताकत है, ये आप नहीं जानते क्या? मैं ये सब नहीं जानता। इन काले धंधे करने वालों के पीछे गुंडों की ताकत हो, पैसों की ताकत हो, राजनीतिक ताकत हो, आई डोंट केयर। सर, आप केटीआर का चेतावनी दे रहे हैं क्या? ये चेतावनी नहीं है, ऑर्डर है, ऑर्डर है, ऑर्डर है। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मालिक माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई। इतना मेहनत से राजमहल बनाया था, तू ससुरा एक सेकंड में गिरा दिया। मालिक मुझे माफ कर दीजिए। हमारा परछाई पर भी पैर रखने वाले को नहीं छोड़ता। नहीं वाले, नहीं। वो मुझे धमकी दे रहा था, इसलिए बचने के चक्कर में है। कानून का काम कानून करता है, ओकरा लिए कोर्ट है ना, ले चल एका कोर्ट में हाजिर कर। मालिक ये अपने के नमक खा के अपने को धोखा दिया है, गद्दार है। इस धंधा में धोखा देने वाला को माफी नहीं मिलता, ये नमक द्रोह है। केटीआर का कानून में इसका सजा मौत के सजा के नीचे कुछ नहीं। हम क्या माफ कर दीजिए साहब, ऑर्डर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ऑर्डर छोड़ दीजिए, ऑर्डर। वो चमचे को फोन लगा। जाने दो भगवान जी, लगता है वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं उसे जाकर समझाऊंगा, उसका बाप भी समझ जाएगा। सर एक मिनट रुकिए, अब साइन कीजिए। अगर आप ऐसे साइन करेंगे तो नीचे जो फॉर्म रखा है उस पर आपके साइन का प्रूफ रहेगा, और फिर आपके साइन का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, इसलिए सेफ्टी के लिए कह रही हूँ। गुड। ए पिछड़, अरे तू कलेक्टर है? मैंने सोचा नए कलेक्टर का दांत गिरा होगा, कोई बुढ़ा होगा। इतने साल हो गए मैंने जवान कलेक्टर कभी देखा ही नहीं। ये उस केटीआर का चमचा है। मदुरई वेल आईएएस, तेरा नाम अच्छा है, शहर का नाम भी यही है। कलेक्टर का पोस्ट मिलते ही बदन में करंट पास होने लगा है। हर जगह करंट पास नहीं होता, हम पावर कट कर देते हैं, कोई समझा गया नहीं? चल खड़ा हो। ए, मैं यहाँ का MLA हूँ। हाँ मालूम है, साहब से तुम जैसे बात करोगे वैसे ही बात करते हैं, तुम साहब को जो दोगे वही वापस कर देंगे। केटीआर के खिलाफ एक्शन क्यों लिया, जान प्यारी नहीं है क्या? केटीआर और उसकी जान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मजाक कर रहा है? सीरियस हूँ, पब्लिक को तकलीफ देने वाला कोई भी कितना भी बड़ा हो, मैं उसके ऊपर हमेशा सीरियस एक्शन ही लूंगा। क्या पब्लिक पब्लिक कर रहा है भाई, पब्लिक मुझे वोट देकर MLA बनाई है, पब्लिक का प्रॉब्लम तुझसे अच्छी तरह जानता हूँ मैं। ऐसा है क्या? चल ठीक है, बता 1 किलो चावल और 1 किलो दाल का भाव क्या है? क्या मैं क्या किराने वाला हूँ जो मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ रहा है? विजयनगर से JVPD तक बस की टिकट कितनी है? अरे रे रे रे, मेरे पास आने जाने के लिए मोटर कार है, उसके हिसाब से कुछ पूछना। चल ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल का दाम बता। ये सब मेरे ड्राइवर से बात कर, जो मैं जानता हूँ वो पूछना। क्वार्टर मॉनिटर का भाव क्या है? 100 रुपया, साथ में वाटर फ्री। क्वार्टर का दाम सही से पता है, लेकिन तुझे जिन लोगों ने वोट दिया उनकी जरूरत की चीजों का दाम नहीं पता। तू ML पे हाथ उठा, अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ, देखना तू। रुक जा, तू सीधे अंदर घुसा और एक IAS कलेक्टर पर तूने हाथ उठाया, इसका रिएक्शन क्या होगा पता है तुझे? क्या कहा, मैंने हाथ उठाया? तो फिर क्या तेरा बाप मार के गया? तूने ही तो मारा, क्यों मारा बता? अरे मैंने तुझे कब मारा? अभी तो मारा था तूने, तूने मुझ पर हाथ उठाया, इसके लिए दोनों गवाह है ना? हाँ सर, इसने मारा। हाँ मारो ना, ये तो आपका कत्ल करना चाहता था, अभी सबको फोन करके बताता हूँ। ऑल इंडिया IAS ऑफिसर पर अटैक, उसके बाद मैं बताती हूँ, MLA की कुर्सी चली जाएगी और फिर दोबारा इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाएंगे। अरे 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 भाई, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आप लोग बुरा मान गए? अरे आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपने तो प्यार से बिठाया मुझे। छोड़ो ना भाई, मैं आपके हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम दोनों के बीच हुई बातचीत का KTR को पता ना लगे, ये मेरे लिए अच्छा होगा, वरना गद्दी चली जाएगी। बिना दांत साफ किए मैं 10 दिन तक रह सकता हूँ भाई, लेकिन गद्दी के बिना मैं 10 मिनट भी नहीं रह सकता भाई, मेरी बात मानो ना भाई। जाऊँगा, मुझे पद की भीख दे देना भाई।
अब से लोगों में पार्टी मीटिंग का भाषण दे और उनसे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवा, लेकिन दोबारा इस ऑफिस में कदम रखा। मैं क्यों आऊंगा, शहर छोड़कर चला जाऊंगा, चेन्नई में जाकर अपनी बेटी के साथ हॉस्टल में रहूंगा। अब समझा। कलेक्टर मदुरई की जय हो। कलेक्टर मदुरई की, तू सीधा क्यों खड़ा है, नारा लगा। जय हो कलेक्टर मदुरई, जय हो। कलेक्टर मदुरई भी नेता बना दिया। आज एमएलए आया है, कल एमपी आएगा, बाद में पार्टी के लोग आएंगे, विपक्ष के लोग आएंगे, इस तरह 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 के चमचों में रोज रोज नहीं मिल सकता। इन लोगों को भेजने वाले केटीआर से मिलना है मुझे, उसी को जवाब दूंगा। आ मदुरैया, यस आ, क्या बात है, आजकल रेड मारकर बहुत लफड़ा कर रहा है, जब रेड मारेगा तभी तो तेरा भाव बढ़ेगा ना। करोड़ों रुपया खर्च करके ऑटो बॉम्ब का ताकत दिखाया, तब तो बगल के देश वाला बातचीत करने आ रहा है ना। हम डर के नहीं आया हूँ, कितना हिस्सा चाहिए साफ साफ बोल। वैसे तो मैं तुझसे ज्यादा ही मांगने वाला हूँ, अगर नहीं देगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। पगला गया है, रिश्वत भी मांग रहा है, धमकी भी दे रहा है, कुर्सी का जोर है, कोनो बात नहीं मांगो। छोड़ना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा, गुंडागर्दी, मिलावट, जमाखोरी, पंचायत और गवर्नमेंट के जायदाद की चोरी, ये सारी की सारी चीजें छोड़नी होंगी। ना छोड़ाता तो तेरी जान ये बॉडी छोड़ देगी। ए! मैं कॉन्वेंट में पढ़ के कलेक्टर नहीं बना हूं, म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ा हूं, काट ही डालूंगा। हमरा पे भरोसा है तभी साथ में खड़ा है, तुम्हारा तरह पैसा के लालच में नहीं। जैसे तू कलेक्टर है, तेरे पास पावर है, वैसे हमारे पास भी पावर है, गुंडन का पावर, जौन हमारा खून में बह रहा है, समझा कि नहीं। हम दुश्मन की आंख में देख लेता हूं तो उसका पैंट गीला हो जाता है और उस देख के हम गदगद हो जाता हूं। अरे तो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। इज्जत देने का बात पर हम तो पैर भी पकड़ लेता हूं, लेकिन स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाया तो धोती कसम उसका गर्दन काट देता हूं। उसके बाद तू कलेक्टर ऑफिस में नहीं जाएगा, तुम्हारा हार वाला फोटो जाएगा। ए, तुम मुझे धमकी दे रहा है। ए, हम कौन हो बिना जाने पंगा नहीं, स्टेट पर राज करे के लिए आदमी का ताकत का जरूरत पड़ता है, जो हमारे पास है। तुम्हारा जहाँ पे कलेक्टर ऑफिस है ना, वो हमारा दादा का रखेल का घर था, एसपी ऑफिस हमारे लिए तबेला है और कारपोरेशन अस्तबल, हमारा दिए हुए जगह पर रहकर हमारा से लड़ेगा रे। जितना गंदा हमारा धंधा है ना, ओकरा से भी गंदा हम हूँ बाबू। तनी हुआ एगो ट्रेलर देखो, ये तोरा गाड़ी है ना, हवाई जहाज बन गई। बढ़िया लग रहा है उसका। अरे वाह, मालिक अपने नकली दवाई बनाओ वाली फैक्ट्री में बम फट गई, कुछ ना बचल कुल खत्म हो गई। तू मेरा नाखून काटेगा, मैं तेरी उंगली काट दूंगा। अगर तू मेरी उंगली काटने की सोचेगा तो मैं तेरा हाथ काट दूंगा, और अगर तू मेरा हाथ काटने की कोशिश करेगा तो मैं तेरा गला काट दूंगा। छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, ये चेतावनी नहीं है, ऑर्डर है, ऑर्डर है, ऑर्डर है, ऑर्डर है। वही रुको, मैं आ रहा हूँ। सर अब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, उस केटीआर के मैटर को जरा सावधानी से हैंडल कीजिए, वो बहुत खतरनाक है सर। कैसे, उसके सामने खड़े हो जाऊं और बोलूं स्वामी स्वामी जो आप कर रहे हो वो गलत है, इंसानों को तकलीफ देना आप छोड़ दीजिए, वो कोई भगवान है का जिसके सामने जाकर मैं घंटी बजाऊं? ये बात नहीं है सर, वो एक नंबर का मवाली गुंडा है सर, और इसलिए इसलिए वो केटीआर को कब से पागलपन सवार है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह के लोगों को दुनिया से मिटाकर खत्म कर देने की इच्छा मुझे उम्र के 10 साल से हुई थी। कोई भी इंसान बहादुर या डरपोक अचानक ही नहीं बन जाता, बल्कि वो शुरू से होता है, बचपन से जो संस्कार मिलते हैं वैसा बन जाता है। तुम थोड़े दिनों से मुझे जानती हो ना, तुमको ऐसा लगता होगा कि मैं एक डिसेंट कलेक्टर हूँ, लेकिन इस पोस्ट को पाने के लिए मैंने कहां से शुरुआत की थी इसके बारे में तुम नहीं जानती हो। चलो चलो, रास्ते खत्म हो गए, जाओ। हासिल खत्म हो गया, क्यों खड़े हो, जाओ। रोज का नाटक है। चलो चलो जाओ, अब क्यों खड़े हो,
तेल ऐसे कैसे खत्म हो गया? तेल यहाँ निकलता है क्या? दुबई से आता है ना? हाँ, तुम लोग का रोज का नाटक है। पहली तारीख को आते हैं तो 30 तारीख को आने को कहते हो, और 30 तारीख को आते हैं तो अगली 1 तारीख को आने को कहते हो। ऐसे कैसे चलेगा? 2 महीने हो गए बेटा। तू तेल का क्या करेगी? मरने के बाद उसी से जलेगी क्या? जब तू मरेगी ना, मैं अपने घर के घासले से तुझे जला दूंगा। चल अब निकल। ये लो पैसे। हे, सिगरेट क्यों फूंक रहा है? छोटी सी भी चिंगारी पड़ गई ना तो ट्रक तो छोड़, पूरा का पूरा एरिया उड़ जाएगा। समझ में आया भाई? पूरे गांव को संभालते संभालते दिमाग खराब हो गया है। थोड़ा पैसा और दो। चलो ठीक है ठीक है, और पैसा देता हूं। आजा आजा, चल चलो आजा। अरे ये क्या किया तूने? तेल की गाड़ी उड़ा दी, इसकी क्या सजा होगी पता है तुझे? मुझे सजा की परवाह नहीं, लेकिन इन 4 लोगों को आप सजा दे सकते हैं क्या? सजा हम नहीं दे सकते बेटा, लेकिन जो दे सकते हैं वो भी चुप हैं। ये समस्या का हल नहीं है बेटा, ये तब तक चलेगा जब तक कोई बदलने वाला ना आए। तू बहुत छोटा है। तो फिर हम किससे सवाल करेंगे? मुझे पता है तू बहुत हिम्मती है, तुझे सिर्फ इनसे ही नहीं सबसे सवाल करना है। तुझे अन्याय के खिलाफ लड़ना है। हर गलती करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। इसके लिए तुझे पावर चाहिए, एक कलेक्टर की पावर। तू कलेक्टर बनेगा, आज से तेरी जिंदगी का सिर्फ यही लक्ष्य होगा। तू भूख भूल जा, नींद भूल जा, प्यास भूल जा, लेकिन तू कलेक्टर बन के रहेगा। तू बन कलेक्टर, वादा कर तू कलेक्टर बनेगा, वादा कर। उस दिन से जो मेरे मन में आग लगी थी वो अब तक दहक रही है। फिर भी आपको केटीआर से सावधान रहना चाहिए सर, क्योंकि आप अकेले सफर करते हैं, अकेले रहते हैं। मेरे अकेले रहने से मेरी ताकत बढ़ती है। अगर मेरे बेबी बच्चे होते तो उनके लिए वो लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं। मेरी अकेलेपन की ताकत उनकी कमजोरी है। तो क्या आप अकेले ही जिंदगी बिताएंगे? देखते हैं। मदुरई, चाय वाला गोपाल नहीं बोल रहा है, ये होम मिनिस्टर गोपाल बोल रहा है। वो बहुत पावरफुल है। पिछले साल उसने अपने पावर के दम पर सरकार गिरा दी थी। तुम्हें पता है हमारा जीना मुश्किल हो गया था। यहाँ पर मीठा तेल से लेकर देशी शराब तक सब कुछ उसके कंट्रोल में है। उससे दुश्मनी करना मतलब गवर्नमेंट से दुश्मनी करना है, और वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मेरी बात सुनो, केटीआर को छोड़ दो, तुम्हें मैं अच्छी कमाई वाली पोस्ट दिलवा दूंगा। मेरा पूरा सपोर्ट है, क्या कहते हो? क्यों मुझे डरा रहे हो सर? उसको तो ठीक से लिखना पढ़ना नहीं आता, एक नंबर का घटिया आदमी है वो सर। वो राजनीति के लोगों को अपने हाथ में रखकर एक कलेक्टर को अपनी ताकत दिखा रहा है। इतना सब होने के बाद भी मैं चुप रहूं क्या? मैं पागल हूं क्या? ठीक है, मैं कानून के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरा रास्ता अलग मत कीजिए। मैं आदमी बिल्कुल अलग हूं। तुझे क्या टेंशन है? चल केटीआर से समझौता करते हैं। सर वो जिन चीजों में मिलावट कर रहा है वो चीजें आपके भी घर में यूज की जाती हैं। मैं तो आपके लिए भी लड़ रहा हूं, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। अरे मैं कहां लोकल चीजें खाता हूं, यहां तो पीने से लेकर खाने तक सब कुछ फॉरेन से आता है। छोड़ो, चलो केटीआर से मिलते हैं। नहीं सर, वो एक क्रिमिनल है और मैं उससे नहीं मिलना चाहता। होम मिनिस्टर बोले तो कलेक्टर को आना चाहिए, पता है ना प्रोटोकॉल है भाई। चलो भगवान जी, वो बहुत कानून जानता है, मेरे हिसाब से आपको एडजस्ट करना चाहिए। आईएएस कलेक्टर भी तो है। बहुत बड़का कलेक्टर है काऊ, 3 तो अच्छा रोकर नाम के आगे रख दिया तो बहुत बड़का हो गया। उसका मुहूर्त हम कल का निकाल लिया हूँ। कलेक्टर ऑफिस में कल बम फूटेगा, कलेक्टर का चिथड़ा उड़ते पूरा दुनिया देखेगा। चल भाग। भगवान जी, जल्दबाजी में अगर आपने वहाँ पर बम रख दिया तब तो मेरे फोटो पर भी हार चढ़ जाएगा, सब सवाल लागेंगे, मुझे झकमार के कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सा शांत। लोगों को भाषण देकर बेवकूफ बनाता है, लेकिन हमरा को मत बनाना। उसको समझा दो कि सब नौटंकी बंद करे, नहीं तो हाईवे पर एक्सीडेंट होगा पता भी नहीं चलेगा। लारी का नंबर नोट कराऊं का? भगवान जी, आप इतना गर्म क्यों हो रहे हैं? छोड़ दीजिए, कल के कल इस पगले का मैं नॉर्थ इंडिया में ट्रांसफर कर देता हूं। चुप। हम उसका ट्रांसफर करने को बोल रहा हूं का? आज तक हमरा से ऊंचा आवाज में सिर्फ इसी कलेक्टर ने बात किया है, यही रहेगा और हमरा गोड़ पर गिर के नाक रगड़ेगा और नौकर के तरह हमार सेवा करेगा। रहूंगा ना, लेकिन तेरी सेवा करके नहीं, तेरी गुंडागर्दी खत्म करके।
जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक यह सारा शहर मेरे कंट्रोल में रहेगा और तू अपना खेल नहीं खेल पाएगा। नहीं खेल पाऊंगा, हमारा एक अंगुली के इशारा पर ही पूरा शहर बंद हो जाएगा कर्फ्यू के तरह। हम तुमरा को कल सुबह दिखाऊंगा कि इस शहर में किसका कंट्रोल है। अरे कलेक्टर, मदुरई कलेक्टर, देख लिया इस शहर में एको कुत्ता भी नहीं चल रहा है। अब पता चला कि इस शहर में किसका कंट्रोल है। अरे चुप का है रे, बोल। अरे करे जो दाढ़ी बना के अपना गर्ल फ्रेंड के साथ हाथ में हाथ डाल के घूम, तोरा से ये सब हो की जो। <पूरे बाक। laughs> करे डर लगा था क्या? सर उसने पूरा शहर बंद करवा दिया है, बस भी बंद करवा दी, सारी जनता परेशान है सर, स्कूल बस भी बंद करवा दी है, बच्चे एग्जाम कैसे देंगे? आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा सर। अरे हमारे बच्चों का एग्जाम है, क्यों नहीं बस चालू कर रहे हो? हे जगह कलेक्टर से बात कर, पूरी सिटी का कंट्रोल उसके हाथ में है ना, उसे क्यों नहीं पूछता? यहाँ तमाशा मत कर, जा उसके ऑफिस जा, जा। हे तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे केटीआर का कहा नहीं माना तो बस जला देगा। अच्छा ये तो गलत होगा। जरूरत की चीज के लिए होने वाला ट्रांसपोर्टेशन रोकना ये बहुत बड़ा गुनाह है। चलो बस से शुरू करो। अगर उसने बस से जला दी तो मैं प्रोटेक्शन देता हूँ। कब तक देंगे? आपका ट्रांसफर होगा, आप चले जाएंगे। हमको तो सड़क पर ही बस चलानी है, हम उससे पंगा नहीं ले सकते, वो हमारी बस से जला देगा। सिर्फ मैं नहीं सर, इन सारे बस वालों को यही कहना है। ये कानून के मुताबिक गुनाह है। होने दो गुनाह, जब तक केटीआर नहीं कहेंगे बस नहीं चलेगी। आप जाके केटीआर से बात कीजिए, उसी में जनता की भलाई है और आपकी भी है। सर 4 बजे हमारी एग्जाम है सर, प्लीज सर कुछ इंतजाम कीजिए, प्लीज सर प्लीज कुछ करो, प्लीज सर प्लीज सर। बस सेवा शुरू करो। अगर हमारी बसें केटीआर जला देगा तब? अगर केटीआर के डर से आप लोगों ने बस नहीं शुरू की तो बस मैं जला दूंगा। देखो ये हमें डरा रहे हैं, अब शहर का प्रोटेक्शन देने वाला ही बस जला देगा क्या? कुछ नहीं करेगा। भाई मैं प्रोटेक्शन देने वाला कलेक्टर तो हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं, पब्लिक के लिए। अगर केटीआर जलाए तो क्राइम है, लेकिन अगर मैं जलाऊंगा ना कोई केस नहीं बनेगा। आप कोर्ट और कानून अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बस जलाने के लिए कलेजा चाहिए, जलाकर तो दिखाइए। कॉन्वेंट से पढ़कर आया हुआ कलेक्टर नहीं हो, म्यूनिसिपल स्कूल से पढ़ा हूँ। अरे बंद किया तेल लेने, अरे बस चालू करो, जल्दी करो। चलो चलो बस में बैठ जाओ, बंद कैंसिल, बंद कैंसिल, बंद कैंसिल। मालिक उस दूसरा बंद खुलवा दिया, सब कलेक्टरों का साथ है, बसों चालू हो गई। Yeah!
सुशीला, तुमसे मिलने कलेक्टर साहब आए हैं। पांडे जी आप हैं? क्यों मैडम, आपको क्या लगा था कोई और होगा? ऐसा कुछ नहीं। ये हुई ना बात। ये क्या, मुझे क्यों सैल्यूट कर रहे हैं? एक दिन तो मारना ही है। मैडम, कलेक्टर साहब ने एक सीक्रेट मीटिंग के लिए आपको बुलाया है, चलिए ना मैडम। सर, मिस्टर कार्तिक है, स्पेशल ब्रांच। मिलावट गोडाउन को सील करने में इन्होंने बहुत मदद की है। हेलो सर। हेलो मिस्टर मदुरई। सर, इस देश में सारे के सारे पावर दिए हुए हैं सीएम, पीएम, डीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उसके बाद कलेक्टर। एज ए कलेक्टर तुमने अपने पावर का सही इस्तेमाल किया है, गुड जॉब मदुरई। ये सब करके क्या फायदा सर, मिलावटी गोडाउन को पकड़ो तो 10 पैसे की भी जिसकी औकात नहीं है वो आकर खड़ा हो जाता है। फर्जी दवाई की कंपनियों को पकड़ो तो कुछ लोग आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मालिक मैं हूँ। कोई भी ऐरा गैरा मालिक बनकर खड़ा हो जाता है। सेल फोन से लेकर चप्पल तक किसी भी चीज में एविडेंस नहीं मिल सकता, लेकिन हमारे कानून को वही चाहिए। अगर कोई भी एविडेंस बाहर आकर गवाही देने की कोशिश करेगा तो उसे अंदर के अंदर खत्म कर देते हैं। मिस्टर मदुरई, उस केटीआर के पास कोई ना पहुंच पाए इसलिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है। इस समय उसके घर में बहुत से गलत लोग आ जा रहे हैं। वो बहुत बड़ी गलती करने वाला है, हम उसे कैसे भी रोकना होगा। रोकने की स्टेज तो मैंने कब की पार कर ली है, अब वक्त आ गया है उसे कुचलने का, जो मैं करके रहूंगा। वही डिस्कस करने के लिए मैंने ये मीटिंग रखी है। अच्छे काम के लिए भी अब हमें मीटिंग करनी पड़ रही है। सर, पुलिस की मदद से हम एक रेड ऑर्गेनाइज करें तो? पुलिस से? यहाँ बहुत से पुलिस वाले गवर्नमेंट के दिए हुए पगार पर नहीं बल्कि केटीआर के रहमो करम पे पलते हैं, इसलिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। बस एक एविडेंस मिले तो काफी है। सोचिए इसके लिए क्या करना चाहिए, सोचिए प्लीज। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तोहरा मसाला के पिसाई देखे थे, तू ये काम में एकदम नई हो ना, देखे थे तो से कोई गलती ना हो जाए। आप देखते रहिए साहब, मेरा काम कभी गलत नहीं होता। ये वैशाली का हाथ है, पूरे गांव में किसी से भी पूछ लीजिए, मेरा काम कभी गलत नहीं होता। हाँ। आइसन का ये सुबू यहाँ का देखे थे, अपना काम करना। ये बता रहत कहाँ? यही बाजू के गाँव में रहती हूँ। रतिया में मिल तो कुछ बात करे के। क्या कहा? तोहरा से दोस्ती करे के है ना? दोस्ती करने के लिए मैं स्त्री, मीठा तिल कहाँ है बताओ? जो कुछ चाहिए स्टोर रूम से ले ले। स्टोर रूम कहाँ है? तोरा के बहुत जल्दी मची है का, अगर को देख ली तो हमारी नौकरी चल जाए, तो उसे रात में मिला थे। घर में हमरा को कुछ गड़बड़ लग रहा है, तनी जाके देखो। जाओ जा। Oh,
ग्रेट, ये किसने भेजा पता नहीं, लेकिन ये एविडेंस केटीआर को फंसाने के लिए काफी है। हेलो सर, मैं हूँ सुशीला, केटीआर के घर से बोल रही हूँ। मैंने एविडेंस भेजा था आपको, मिला क्या? सुशीला तुम कैसी हो, ठीक हो ना? जानती हो तुम बहुत बड़ा काम कर रही हो। थैंक यू सुशीला। ए, देखो तुम उसकी जगह पर हो तो बी केयरफुल। सर अब तुरंत यहाँ आ जाइए, केटीआर को अरेस्ट करने के लिए मेरे पास एविडेंस है। तुम संभल कर वापस आना, फिर मैं तुरंत उसे वहाँ से घसीट कर ले आता हूँ। सर देखो 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 कैसे डर रही है। ए कलेक्टर आजा, पापा बुला रहे हैं, आजा। ध्यान से सुन, जो पेपर भेजी है वो सब लेके आ जा यहाँ, और साथ में एको वीडियो कैमरा भी लेके आना। बहुत दिन से हमारे छोकरा लोग बोल रहा था एको गोरी चाहिए, आज मिल गई। शूटिंग बढ़िया होनी चाहिए ना। हे खड़ा खड़ा देखता कहा बे नामर्द है का? तड़प रहा है ना, इसके लिए बहुत तड़पन हो रही है ना। उसे छोड़ दे वरना तुझे मार डालूंगा। मरेगी अभी ससुरी, इतना सारा केस हमरे ऊपर डाला है ना, एक केस और डाल दे रेप के। तनी दिमाग ठंडा रख, हमरे खानदान की पुरानी परंपरा है, हमने MLA MP मिनिस्टर साहब को देखा है, हमरा को हिलाएगा, झुनझुना समझा है का? तू हमरा को जानता नहीं है, हमरा ऊपर उंगली उठाने वाले का राख भी नहीं छोड़ता हूँ, तू हमरा से पंगा ले रहा है। आओ 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 पेपर लेके आओ, आज देखता हूँ तुमरा को कौन बचाता है। सुशीला कहाँ है? आज तो हमारा घर से जिंदा नहीं जाएगा मदुराई। सुशीला कहाँ है? बचपन से हम इससे भी बड़ा बड़ा बंदूक से खेला हूँ, समझा? जब हम 12 साल का था तो एगो पागल हाथी के सीना में गोली मारा था। हमरा को डरा रहा है। लाश बिछा दे का। सुशीला
चलो यहाँ से चलते हैं अस्पताल। नहीं सर, पता है मैं मरने वाली हूँ। सर, मुझे आपके लिए मरने में खुशी हो रही है सर। नहीं सुशी। लेकिन मेरा परिवार मेरे भरोसे। मैं हूँ ना, मैं उनको संभालूँगा। वजह से आपको तकलीफ उठानी। सुशीला, 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 साहब जी, साहब जी, क्या साहब जी, ये क्या हो गया? आप कैसे गए थे और कैसे आए? अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। साहब जी, साहब जी, आप इधर देखिए साहब जी। कहाँ गए, कहाँ गए वो? यहीं पर तो थे साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, कहाँ चले गए पता नहीं। साहब जी, साहब जी, साहब जी, ये बंदूक लेकर कहाँ जा रहे हैं? उस केटीआर को खत्म कर दूंगा। केटीआर के घर पे कलेक्टर ने उस लड़की को चाकू से मारा, ये मैंने खुद देखा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ और यही बात बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। हाँ, और एक बात, साहब जी ने कोई पुण्य का काम किया होगा जिसकी वजह से साहब बच गए। कलेक्टर ने तलवार से केटीआर पर हमला किया, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। ये बात मैं कहीं पर भी कहने को तैयार हूँ। उसने घर में आग लगाई। देखा ना सर, ये पत्रकार, ये पुलिस वाले सब केटीआर का साथ दे रहे हैं। आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। ये सारे लोग मिलकर आपको कातिल बता रहे हैं और आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय आपका जाना ठीक नहीं। ये पूरा का पूरा मीडिया केटीआर के हाथ में। आप बेगुनाह हैं, इस बात को साबित करने के लिए हमें वक्त चाहिए। हमें कुछ महीनों के लिए शांत रहना पड़ेगा। कुछ समय के लिए आप यहाँ से तड़ी पार हो जाइए। आप चिंता मत कीजिए, सरकारी खाना पूर्ति मैं कर दूंगा। तो फिर उस केटीआर क्रिमिनल को ऐसे छोड़कर चला जाऊं क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपसे छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर सब साबित करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं बेगुनाह हूं ये साबित करने में थोड़ा वक्त जाएगा। और मैंने सुशीला से वादा किया था कि उसके बाद मैं उसके परिवार को संभालूंगा, इसलिए मैं सुशीला का दोस्त हूं ये बात कहकर आपके परिवार में शामिल हो गया। आपके परिवार में सुशीला की जगह तो मैंने ले ली, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद मैं आपके लिए सुशीला नहीं बन पाया। काफी दिनों से मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता था, लेकिन बता नहीं पाया। पर आज मेरा बोझ हल्का हो गया है। रो मत माँ। बस कर बेटा, अब माँ माँ बोलकर तू मुझे रुलाएगा? नहीं माँ, आप हमेशा मेरी माँ रहोगी और मैं आपका बेटा। बेटा,
मेरा एक काम करोगे? बोलो ना बेटा। बोलो ना माँ। सुशीला की मौत की कीमत जाया नहीं होनी चाहिए। तुझे फिर से कलेक्टर बनना होगा और उस पापी को सजा देनी होगी। वो सब भी होगा, लेकिन उससे पहले भी कुछ करना है। मेरा नाम रामू है। केटीआर के कहने पर मैंने सारे गुनाह किए। उसी के कहने पर मैंने पेट्रोल से आग लगाई। उसी आग में सुशीला भी जल गई। केटीआर के कहने पर ही मैंने बहुत लोगों की जान ली है। मैं केटीआर के लिए ही काम करता हूँ। उसके बहुत सारे काले धंधे शहर में चल रहे हैं। उसके कहने पर ही मैंने फैक्ट्री में आग लगाई थी। उसके विरोधी पार्टी के लोगों को भी मैंने ही मारा था। उसके सभी गुनाहों में मैं शामिल था। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। हमारा नाम पांडे है। केटीआर के कहने पर 10 खून किया हूँ, जिसमें से 5 लोगों का सिर काट के गांव के बाहर की नदी में फेंक दिया हूँ। और उखरा खातिर हम नकली दवा भी बनाता हूँ। उसी दवाई से हॉस्पिटल में 50 लोग मर गए हैं। सब हमारी गलती है। स्कूल में मिलने वाले मिड्डी मिल के खाने में हमारे मिलावट करे से स्कूल के 20 बच्चन के जान चले गई। ओकरा छानबीन करे आए सुशीला के हम लोग जिंदा जलाकर मार दिए केटीआर के घर में। ये सब जो हम किए हैं ये सब हमसे केटीआर करावत रहा है। मेरा नाम शरण है। केटीआर की सारी फैक्ट्री मेरे नाम से है। असली मालिक केटीआर है। मैं तो नाम का मालिक हूँ। मैं बेगुनाह हूँ ये साबित करने के लिए मुझे इतने दिनों तक तड़ी पार होकर दूर रहना पड़ा था, लेकिन अब गुनहगार ने खुद ही अपने गुनाह कबूल किए हैं। एक चीफ मिनिस्टर के नाते फैसला आपको करना है सर। मिस्टर मदुरई, आपके ऊपर लगे सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं, इसलिए आप दोबारा कलेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते जीजा। ए, तू यहाँ कैसे आया? दीदी ने कहा था कि मस्त मुर्गी बना के रखी, आप शाम को आ जाना। ए, इधर आ। अगर तू नशे की हालत में इस घर में नजर आया ना, तुझे काट के फेंक दूंगा। चल निकल। गई मुर्गी आज हाथ से। इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये मेरा चेन तेरे घर में कैसे आया? मेरी दीदी ने मुझे दिया है। ए, आज से तेरा और तेरी दीदी का रिश्ता खत्म। दोबारा मुझे इस घर में नजर मत आना। चल निकल। दीदी से बोलूंगा तभी इसकी अकल। इतनी मेहनत से कमाता हूँ, ये बांटे जा रहे शहर में पूरी पुलिस फोर्स। माता परमेश्वरी, ये मदुरई का बच्चा हमारे घर में क्या करने आया है? और जितने भी गुंडे शहर में रह रहे हैं सबको रिहा कर दो। भैया मदुरई भैया, आप कहाँ चले गए थे? आपके बगैर तो मदुरई शहर सूना पड़ गया था। बैठिए बैठिए, मैं खड़ा रहूंगा, आप अच्छे से बैठिए। आप कुछ मत पूछिए, मैं खुद ही सब कुछ बताता हूँ। टमाटर 9 रुपए किलो है, बैंगन 12 रुपए किलो है, यहाँ से शहर का भाड़ा 5 रुपए है, पेट्रोल 70 रुपए लीटर है, राशन में केरोसिन 20 रुपए लीटर है, बाहर 30 रुपए लीटर है। बस करो बस करो, ये सब मैंने नहीं पूछा। यही सब पूछने के लिए तो आप यहाँ पे आए हैं ना। खैर सब छोड़ो, अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस घर को बनाने वाला मैं ही हूँ साहब जी। तो फिर अनीता? अरे वो मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? हाँ, एकदम अपनी माँ की तरह है। अच्छा वो सब छोड़िए, पहली बार आप हमारे घर पे हैं, कुछ तो लीजिए। अनीता इधर आओ। आई पापा, आइए ना पापा। हाँ। वो मैंने आपसे कहा था। हाँ, बेटी ये वही है। ये वही है? दोबारा आप गलत मत समझिए, बहुत ज्यादा खुशी हो गई। पापा ये उनकी मम्मी है। नमस्ते समदन जी। नमस्ते। पापा कुछ दिनों के लिए लोग यहीं हमारे घर में रहेंगे, जिससे कि लोग सेफ रहें। बिंदास यहाँ पर रहने दो, दामाद जी का ही तो घर है। अब मैं यहाँ रहने के लिए इनसे अनुमति लूंगा। क्यों ऐसे घूर रहे हो? अगले मुहूर्त में ही शादी होगी, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप मेरे दामाद हैं, ये बात बाहर बताने के लिए आपकी अनुमति चाहिए। अगर अनुमति मिल जाए तो बहुत खुशी होगी। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, बॉन्ड। क्या हुआ मैडम, क्या हुआ, क्या हुआ? पापा शादी के लिए राजी हो गए। गुड मॉर्निंग मैडम। ये क्या हो गया तुझे? साहब जी से आपकी शादी होने वाली है, कल सैल्यूट मारना ही है, इसीलिए आज सैल्यूट मारकर उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि गलती ना हो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा अनीता ही रहूंगी। ये फालतू की इज्जत नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू मैडम। आपके विचार औरों की तरह नहीं है, आप भी मेरी तरह हैं। साहब की शादी चमेली से होती तो वो दोनों टाइम मुझसे सैल्यूट मरवाती तो मेरी क्या हालत होती। ये तुम क्या बोल रहे हो? और क्या, साहब जी को पटाने के लिए कब से ट्राई कर रही है? कौन? मार्केट वाली, वो चमेली की बच्ची। हाँ, वो सुपर फास्ट ट्रेन की तरह साहब के पीछे पड़ी रहती है। हमरा ही खाता है साला, और हमरा ही लोगों को अरेस्ट कर लाया कुत्ता साला। मालिक रुक जाइए, मालिक मेरी बात मानिए, मालिक ऐसा मत करिए, ये करने के लिए बड़े अफसर ने कहा था। हमसे बड़ा कौन आ गया रे जो तुझको अरेस्ट करने के लिए बोला? कौन है रे? कलेक्टर साहब।
कौन है रे कलेक्टर? तू कैसे जिंदा बचा रे? क्योंकि तू जिंदा है ना। दे रे तू नाली, अबे ही कहानी खत्म। छोटे बच्चे की तरह हरकत कर रहा है। अब तक तूने सैकड़ों लोगों को मारा और अब भी तू मार ही रहा है। अगर तेरे गुनाहों की सजा देनी पड़े तो तुझे 246 बार फांसी लगानी पड़ेगी, 800 साल जेल की सजा देनी पड़ेगी और रोड पर तुझे मरने तक पत्थर से कुचलना पड़ेगा, जब तक कि तू मरना चाहे। तुझे सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि तेरे जैसे जितने भी गुंडे शहर में हैं वो कांप जाएं। अब तुझे किस प्रकार की सजा दी जाए इस विषय में दिल्ली में कमेटी बनाकर डिस्कशन चल रहा है। अगले 24 घंटे में तुझे अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर तो आने ही वाले हैं, लेकिन तब तक तू खुद आकर मुझे सरेंडर कर दे, क्योंकि अगर मैं तुझे अरेस्ट करने आ गया तो सारा मदुरई छुट्टी लेकर तमाशा देखने के लिए आएगा। तुझे हथकड़ी पहनाकर अंडरवियर में हर गली गली में घुमाते हुए ले जाऊंगा। अरे कहाँ मारते क्या हुआ, फ्यूचर देख लिया? फट गई क्या? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भगवान जी, अपने सारे आदमी पहचान लिए गए हैं, अब अपने आदमियों को कहाँ छुपा के रखूं? मुझे तो साहब जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है, राजनेता भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। पूरे मदुरई शहर में जनता के बीच से आपका भय हट गया है और इसलिए अब आपके तड़ी पार होने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कौनो रास्ता नहीं, हमारा को तड़ी पार होना पड़ेगा रे, तो हरी दरोगा के केटीआर पांडे से दुश्मनी महंगा पड़ेगा। आ कलेक्टर आ, केटीआर को घसीट के मारने का सपना देख रहा है ना? आजा, हमें ही हूँ। क्या बोला था, हमको अरेस्ट करेगा, अंडर बियर में पूरा शहर घुमाएगा। अब सोच कर रहा है बे? सोचा था कि तू मुझे मार डालेगा, लेकिन तू तो पीछे हट गया। हम पीछे नहीं हटा हूँ, तू ससुरा हमको अरेस्ट करेगा, लेकिन वो सब देखने के लिए इस शहर में कोई जिंदा नहीं रहेगा। हम अगर मरूंगा तो भी हजारों को लेके मरूंगा। ए मदुरई में हम बब्बर शेर की तरह रहा हूँ, लेकिन तूने हमारा डर सबका दिल से निकाल दिया रे, अब ससुरा कौनो नहीं बचेगा। अभी मदुरई बम की तरह फटेगा, शमशान बन जाएगा अभी मदुरई। फूल, पब्लिक को बचाने के लिए मैं तेरे साथ जंग लड़ रहा था, अगर पब्लिक को कुछ हो गया तो गाँव खाड़ लेगा रे तू हमरा। ध्यान से सुन, हम रहूं ना रहूं हमरा डर रहना चाहिए, 4000 साल भी हमरा हैवानियत इतिहास में रहेगा। कुछ बूझा बचवा? नहीं, हमरा खौफ मिटाया था ना, मदुरई शहर अपना जान का भीख मांगेगा, लेकिन कौनो बचाने वाला नहीं रहेगा। तू इस शहर का बहुत बड़का हीरो है ना, चाचा चाचा चाचा, तोहरा को जितना दम लगाना है लगा ले। इस शहर को अगर कोई बचा सकत है तो खुद के टी। चल चल चल, तू कोई भी गलत काम कर ले मैं उसे रोक कर दिखाऊंगा। तू रोकेगा कैसे? रोकेगा रे, पूरा शहर में हमने 20-20 रुपया में सेल फोन बेचा है, वो सारा सेल फोन के अंदर बम फिट करवा दिया हूँ। जैसे ही 11 बाजेगा वो फोन का घंटी बाजेगा, फोन उठाने वाला उसके आसपास का सब लोग एक झटका में लाश में बदल जाएगा। एक पावरफुल बम हर फोनवा के चिप में लगा है। कैसा लगा हमारा प्लान? सारे टीवी चैनल्स और रेडियो पर अनाउंस करवा दो, कोई भी केटीआर कंपनी के सेल फोन को यूज ना करे, इमीडिएट, हरी अप। अब कुछ नहीं हो सकता रे कलेक्टर। एक दो फोन नहीं, 5 लाख फोन है पूरा शहर मा, स्कूल मा, अस्पताल मा, बस मा, पेट्रोल पंप मा, रेलवे स्टेशन पा, एयरपोर्ट मा। सारा फोन फाटेगा, सारा शहर फाटेगा, मदुरई शमशान घाट।
मेडिकल सीट मिल गई वहाँ। कहो अरे फ्यूचर दिख गया का, मजेदार है ना। बहुत हरामी है ये केटीआर। बताओ भाई, बोल किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है। मार 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 मार, ना बचा पाया। और मार और मार। बोल ये सब कैसे रुकेगा। मजा आ रहा है, आम लोगों के साथ खिलवाड़ मत कर। तू अरेस्ट करने आया था ना रे, ले अरेस्ट कर। बोल इन सबको कैसे रुकेंगे। हमरा को अंडर बियर में दौड़ाएगा ना, ले चल ले चल, दौड़ा दौड़ा ले चल। तू मुझे नहीं जानता, तेरे बदन में छेद कर दूंगा। आठ सौ साल का जेल, 246 बार फांसी, ये बोला था ना। चल चल चल, ले चल ले चल ले चल ले चल ले चल, जल्दी बोल। अब हम तक आ, अगर वो भगवान भी चाहे तो सेलफोन को बजने से नहीं रोक सकता है। मदुरई को कोई नहीं बचा सकता है। मार 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 मार, और मार, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। क्या है ये, हमरा को पता है। बहुत मार और मार मार। ए, तमाशा देख रहा है ना तुम लोग, सब के सब मरोगे, ब्लास्ट होके मरोगे। ट्रक पे ले चलेगा, थक गया कारे। कहाँ ले चल रहा है रे, कोर्ट में। वहाँ कहाँ जा रहा है, वहाँ भी बम फटेगा, सजा का तोहरा बाप देगा। चला चला और तेज चला, जल्दी कर जल्दी। अरे अरे अरे, हमारा कपड़ा निकलवाना तो भूल ही गया, उतार उतार अंडर बियर में घुमा। कहाँ जा रहा है रे, मदुरई शहर में बम फटेगा, सब लोग मरेगा, है डर से बाहर भाग रहे का रे। चला चला चला, कम से कम हम दोनों तो बच जाएंगे, तो दुश्मनी बाद में निकाल लेना बच्चों। हमरा को कैसे भी मार, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा हमको, लेकिन तोहरा चेहरा पर मौत का डर देख के हमको बहुत खुशी हो रहा है। अच्छा तू तो अपन जान बचा रहा है, लेकिन पब्लिक पब्लिक बोल रहा था, वो कहाँ घुस गया रे, पिछवाड़े ने कहा। नहीं बचाएगा उन लोगों को, नहीं बचाएगा उन लोगों को। चला जान बचाने के लिए शहर छोड़ के भाग रहा है, डरपोक है तू, डरपोक। डरपोक कलेक्टर।
कायर, कायर। कौन कायर है हा? कौन कायर है? अगर 40 लोग बोट में जाए और खतरे के वक्त एक आदमी के पानी में कूदने से अगर वो बोट बच जाती है तो वो जो एक आदमी कूदता है और 39 लोगों की जान बचाता है वही वीर है, नेता है, राजा है, सब है। तो सोच, अगर तू मरते वक्त इतने लोगों को मार रहा है तो तू कितना बड़ा कायर है। अब 11 बजने में सिर्फ 2 ही मिनट बाकी है और तूने जितने बम लगाए हैं उसमें से एक भी नहीं फटेगा। का बोल रहा है बे? ढूंढ ले, तूने तो सेट किया है ना, ढूंढ ले ना। ए, चल ढूंढना। काकिया, काकिया, काकिया। वहां देख, तूने 11 बजे का बॉम्ब एक्टिवेशन किया है तो सेलफोन 11 बजे बजेगा तभी बम फटेगा। सिग्नल मिलेगा तो सेलफोन बजेगा ना। अगर टावर ही नहीं रहेगा तो सारे सेलफोन्स को सिग्नल कैसे मिलेगा? तो क्रिमिनल होकर इतना सोच सकता है तो मैं तो एक IAS कलेक्टर हूँ। तू हमरा से जीत गई मत सोच, मरने के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अपने आप को बहुत बड़ा समझता है ना रे? एक बार हाथ खोल कर देख क्या करता हूँ हम। KTR नाम है हमारा। हाथ खोल। आतंक के दूसर नाम KTR। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तो उस पाप और पापी को खत्म करने के लिए किसी ना किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी और वो पहल करने वाला ही सबसे बड़ा वीर, सबसे बड़ा बलवान कहलाएगा।